हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप माय ऑल स्टूडेंट्स विल बी फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू टेकिंग योर रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर 5. बेटा, मैं आज आपकी चैप्टर 5 की रिवीजन क्लास लेने जा रही हूँ. ओके, टुडे मॉरल इज Mistakes are proof that you are trying. Mistakes are proof that you are trying. It means बच्चों, mistakes proof करते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, यानी गलतियाँ ही साबित करती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि बेटा, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आता है, हम करते हैं, गलती होती है, तो हम उससे बार बार सीख लेते हैं कि ये चीज़ अभी हमें और अच्छे से करना चाहिए. उसी तरीके से गलतियाँ प्रूफ करती हैं, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, कि बेटा गलतियाँ प्रूफ करती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर 5. आज मैं आपका चैप्टर 5 का रिवीजन करने जा रही हूँ. और चैप्टर 5 इज फूड वी ईट. फूड वी ईट मींस ऐसा भोजन जो हम खाते हैं. क्या करते हैं? ईट करते हैं, खाते हैं. ठीक है बेटा, फूड वी ईट मीन्स होता है ऐसा भोजन जो हम खाते हैं. ठीक है, ईट करते हैं. टॉपिक्स दी गई हैं इसमें, सोर्सेस ऑफ फूड यानी भोजन का स्रोत. क्या दिया गया है? भोजन का स्रोत. फूड ग्रुप्स यानी भोजन श्रृंखला. ठीक है, हेल्दी एंड जंक फूड. हेल्दी मींस यानी स्वस्थ, यानी जिन्हें खाकर हम हेल्दी रहते हैं. और जंक फूड यानी ऐसा भोजन जिन्हें जो हम खाते हैं, वो खाने में तो टेस्टी होते हैं बट हमारे बॉडी के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं. फूड हैबिट्स मीन्स अच्छी, यानी फूड हैबिट मीन्स भोजन की आदतें. यानी बेटा, इस अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं. तो कुछ वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन. ठीक है, तो फूड हैबिट्स उसी में आते हैं कि कौन से व्यक्ति किस टाइप्स का भोजन खाते हैं. बेटा, व्हाई डू यू थिंक वी नीड फूड? हमें फूड की नीड क्यों होती है? क्यों हमें भोजन की ज़रूरत होती है? वी ऑल नीड फूड टू लीव, यानी हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. आपने सोचा है बेटा क्यों होती है ज़रूरत? यस, इसीलिए होती है. हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. फूड हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फूड हमें क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. और फूड खाने से ही हमारे बॉडी में ग्रो होता है, हमारा शरीर बढ़ता है. ठीक है, अब देखिए बेटा, फूड ही हमें एनर्जी देता है किसी भी वर्क को करने के लिए, खेलने के लिए, और किसी भी चीज़ को थिंक करने के लिए, सोचने के लिए. ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट द फूड दैट वी ईट. तो चलिए हम और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं. ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड. सोर्सेज ऑफ फूड मींस भोजन का स्रोत. क्या होता है बेटा? भोजन का स्रोत यानी भोजन हमें कहाँ कहाँ से
मिलता है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, यानी प्लांट और एनिमल टू मेन सोर्सेज होते हैं किसके, फूड के। ठीक है, वी गेट वेजिटेबल्स ग्रेन पल्सेस एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। वी गेट मीट फिश मिल्क एंड एग फ्रॉम एनिमल्स, वी शुड ईट दीज इन द राइट अमाउंट टू स्टे हेल्दी। और ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल्स से मिलती हैं। और बेटा हमें ये सारी चीज़ें हेल्थ रहने के लिए यानी हेल्दी रहने के लिए राइट अमाउंट में खानी चाहिए, यानी हमें अपने शरीर को फिट बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें राइट अमाउंट में सही मात्रा में खानी चाहिए। ओके, तो बेटा हम आपको ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं इसलिए हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम आपको टॉपिक से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, फूड ग्रुप्स, अब देखिए बेटा फूड ग्रुप्स क्या होता है। फूड ग्रुप्स मीन्स भोजन श्रृंखला। ठीक है, फूड ग्रुप्स मीन्स भोजन श्रृंखला। वी कैन डिवाइड द फूड दैट वी ईट इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी भोजन को हमने यानी फूड को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है बेटा, यानी वी ईट इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, इन्हें हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में खाते हैं, यानी एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, फाइबर एंड वाटर। एनर्जी गिविंग फूड यानी ऐसे भोजन, दीज फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, सम ऑफ द एनर्जी गिविंग फूड आर ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस, यानी ऐसे भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, खेलने के लिए, वो सारे भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। ओके, अब बेटा है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, व्हाट आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, द फूड हेल्प अस टू बिल्ड आवर मसल्स एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, यानी ऐसे भोजन जो हमारे मसल्स को, हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, किसको, हमारे मसल्स को, मसल्स मीन्स होता है बेटा मांसपेशियाँ, तो जो हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और हमारे बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो कौन से भोजन कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। दे ऑल्सो रिपेयर आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को क्या करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं। सम ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड आर मीट एग फिश मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ पनीर एंड बटर, ये सारे चीज़ें कौन से, ये सारे भोजन कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये सारे फूड बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया बेटा एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। एनर्जी गिविंग फूड वो होते हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए और खेलने के लिए, किसी भी चीज़ को थिंक करने के लिए। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग फूड वो होते हैं जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए बेटा आता है आपका प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, सम फूड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉलिंग सिक, यानी ऐसा भोजन जो हमें बीमारियों से बचाता है,
वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से, ऐसा भोजन जो हमें बीमारियों से बचाता है वो कौन सा भोजन कहलाता है, कौन सा फूड कहलाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। ठीक है, सम फूड लाइक पनीर कर्ड नीडेड टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, यानी मिल्क से बनी हुई चीज़ें ये हमारे बॉडी को क्या करती हैं, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और ये हमारे टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये हमारे टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव फूड फ्रॉम ऑल दिस ग्रुप, और हमारे बॉडी को ऑल ग्रुप्स यानी सभी ग्रुप्स के भोजन की नीडेड होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा विटामिन्स, विटामिन्स मीन्स क्या होता है, विटामिन्स मीन्स विटामिन्स ही होता है। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स कॉल्ड विटामिन फॉर एनर्जी हेल्थ एंड ग्रोथ, यानी हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए, एनर्जी फुल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि विटामिन हमारे बॉडी में क्या करता है, यानी हमारे बॉडी में ये प्रोटेक्ट, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। ठीक है, ये हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है। वी गेट विटामिन्स फ्रॉम मिल्क एग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमें विटामिन कैसे, किन किन चीज़ों से मिलता है, मिल्क से, एग से, फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल से मिलता है। अब देखिए फाइबर एंड वाटर, अब देखिए बेटा फाइबर क्या होता है, तंत्रिका तंतु होता है फाइबर। ठीक है, एक फाइबर मीन्स रेशा होता है, लेकिन फाइबर मीन्स तंत्रिका तंतु भी होता है। यानी वी ऑल्सो नीड फाइबर इन आवर फूड एज इट हेल्प्स अस मूव फूड क्विकली थ्रू द बॉडी, यानी ये हमारे फूड में होता है, ये हमारे बॉडी में वर्क करता है, हमारे बॉडी को मूव करने के लिए, हमारे बॉडी को तेज़ी से चलने के लिए ये क्या करता है, ये वर्क करता है, हेल्प करता है। ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुतायत मात्रा में प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, एवरी डे प्रतिदिन पीना चाहिए, क्योंकि बेटा हम भोजन के बिना तो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द वाटर वी ड्रिंक इज क्लीन, अदरवाइज वी मे फॉल इल, हमें क्या कर लेना चाहिए, पानी पीने से पहले हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि वो पानी क्या है, क्लीन है, क्योंकि अदरवाइज वी मे फॉल इल, वरना हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हमें पानी पीने से पहले ये श्योर कर लेना चाहिए कि वो पानी क्या है, क्लीन है। ठीक है, अब देखिए बेटा हेल्दी एंड जंक फूड, हेल्दी फूड कौन से होते हैं, यानी ऐसे फूड, वी शुड ईट गुड क्लीन फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड, यानी हमें हमेशा ताजे और हेल्दी फूड खाने चाहिए, ऐसे भोजन जो हमें स्वस्थ रखते हों वो हेल्दी फूड कहलाते हैं। ठीक है, जो हमें क्या रखते हों, हेल्दी रखते हों वो हेल्दी फूड कहलाते हैं। और जंक फूड क्या होते हैं, जंक फूड वो होते हैं जो खाने में तो टेस्टी होते हैं लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे भोजन जो खाने में तो टेस्टी होते हैं बट वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। समटाइम्स वी ईट फूड दैट इज़ टेस्टी बट नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, सच फूड इज़ कॉल्ड जंक फूड, ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। तो बेटा आप लोग क्या करते हैं,
चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब बहुत खाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए और ऐसे मौसम में तो बेटा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फूड हैबिट्स क्या होता है। फूड हैबिट्स यानी पीपल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं और डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स होते हैं। कुछ पीपल्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ वेजिटेरियन होते हैं, यानी सम पीपल डू नॉट ईट मीट और फिश। जो व्यक्ति मीट और फिश नहीं खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं। जो नहीं खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन बोलते हैं और जो खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ओके। अब देखिए बेटा, वी नीड फूड टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। सम फूड्स गिव अस एनर्जी, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। सम फूड हेल्प अस टू बिल्ड आवर बॉडी, कुछ होते हैं जो हमारे मसल्स को बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। सम फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। वी ऑल्सो नीड विटामिन, फाइबर एंड वाटर, यानी हमारे बॉडी में विटामिन, फाइबर और वाटर की क्या होती है, नीडेड होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट पीपल की डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी गिविंग फूड, देखिए बेटा ये वर्ड वो आपके रिमेंबरिंग पॉइंट थे, अभी आपका वर्ड मीनिंग है। एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा देने वाले भोजन, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को बनाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड जो हमारे हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन मीन्स विटामिन ही होता है, फाइबर मीन्स होता है तंत्रिका तंतु, फाइबर मीन्स तंत्रिका तंतु, मसल्स मीन्स मांसपेशियां। वेजिटेरियन यानी ऐसे पीपल जो ईट नहीं करते हैं मीट और फिश, क्या करते हैं, ईट नहीं करते हैं। नॉन वेजिटेरियन यानी जो मीट और फिश को ईट करते हैं, ठीक है। यानी वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी, ओके। अब देखिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, फूड गिव अस डैश टू वर्क एंड प्ले, फूड क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं खेलने के लिए और प्ले करने के लिए, ठीक है। यानी खेलने के लिए और किसी भी वर्क को करने के लिए। वी गेट फूड फ्रॉम, हमें भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। डैश गिव अस एनर्जी यानी हमें एनर्जी कौन देता है, राइस देता है या मीट देता है, तो राइस देता है, ठीक है। वी ईट डैश एंड डैश टू बिल्ड आवर बॉडी, हमारा बॉडी कौन बनाता है, यानी मिल्क एंड पनीर, ठीक है। यानी मिल्क प्रोडक्ट चीज़ें ये सारे हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। डैश हेल्प टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, राइस एंड मिल्क हमारे बॉडी को कौन स्ट्रॉन्ग बना, हमारे टीथ को, सॉरी हमारे टीथ को, हमारे बोन्स को कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है, कौन बनाता है, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, तो मिल्क हो जाएगा। अब देखिए ट्रू फॉल्स, फूड हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फूड क्या करता है, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, हम फूड की हेल्प से हमारा बॉडी हेल्दी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, तो ट्रू। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल्स, ट्रू। वी शुड ईट वेल कुक्ड फूड, हमें अच्छे और ताज़े भोजन ही खाने चाहिए, ट्रू। जंक फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ, फॉल्स, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अ वेजिटेरियन लाइक टू ईट मीट, वेजिटेरियन को क्या वो लाइक करते हैं, ईट यानी मीट को वो लाइक करते हैं, नो अगर उनको मीट पसंद होता तो वो क्या होते, तो वो नॉन वेजिटेरियन होते, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ओके। अब देखिए बेटा व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड, गिव्स थ्री एग्जांपल, एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, आपको एग्जांपल देना है। तो मैंने आपको बताया था
कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, यानी ऐसे भोजन जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, वो कौन से फूड कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स आर द फूड दैट द गिव अस टू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यानी एनर्जी गिविंग फूड वो कहलाते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में वीट, राइस एंड शुगर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, गिव थ्री एग्जांपल, आपको एग्जांपल देना है। तो प्रोटेक्टिव फूड आर द फूड दैट द प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉलिंग सिक, यानी ऐसा भोजन जो हमें बीमारियों से बचाता है वो कौन सा फूड कहलाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल यानी एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। और वेजिटेबल में क्या हो गया, स्पिनच, ठीक है, यानी पालक। और अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू नॉन वेजिटेरियंस ईट, यानी नॉन वेजिटेरियंस क्या खाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस ईट मीट एंड फिश अलोंग विथ फूड फ्रॉम प्लांट, क्या खाते हैं वो, वो क्या खाते हैं, ईट वो मीट और फिश को खाते हैं, ठीक है। बेटा आपकी टेस्ट टाइमिंग है 2:00 से 3:00 तक, 1 आवर का आपके पास टाइम रहेगा और 2:00 से 3:00 तक आपको अपना आंसर पेपर सेंड करना है ग्रुप में, ओके। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी, और अपनी सारी एक्सरसाइज को आपको अपनी रफ कॉपी में नीट एंड क्लीन 2 times राइट करना है, ओके। थैंक यू, माय कोड इज़ MPS EVS 136, थैंक यू।